ऑपरेशन लोटस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सीबीआई देश भर में मामले की जांच करे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ आपकी मांग, सीबीआई से देश भर में मामले की जांच करने की मांग की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सीबीआई निदेशक से मिलने एक डेलीगेशन पहुंचा है बाकायदा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता यानी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया और तमाम नेता हमलावर हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि ऑपरेशन लोटस को लेकर सीबीआई से देश भर में इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। और वहीं इससे जुड़ी ब्रेकिंग यह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि वो बताएं कि सिसोदिया के किस नंबर पर और किस नंबर से फोन आया था। तो ये एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको बताएं कि बीजेपी ने आम आदमी से अब सवाल पूछ लिया कि वो बताएं कि सिसोदिया के किस नंबर पर और किस नंबर से फोन आया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया, उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है जैसा कि वो स्वयं बताए थे, लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया, ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए, इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, अब शराब नीति पर भ्रष्टाचार कम खरीद फरोख्त को लेकर दोनों के बीच राजनीति हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पर यही सवाल है कि आप ये बताइए किस नंबर से आपको फोन आया, और एक तरफ सीबीआई से ये मांग कर रही है आम आदमी पार्टी कि देश भर में जांच की जाए। बिल्कुल प्रयोधी, आज सुबह से ही ऑपरेशन लोटस के तहत दोनों पार्टियां आमने सामने थी, दोनों में एक संसद के विधानसभा के अंदर और सड़क पर बीजेपी और दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल है कि अब जिस एक्साइज पॉलिसी पर सवाल जवाब होना चाहिए उस पर बात नहीं होकर अब बात ऑपरेशन लोटस पे हो रहा। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर सरकारें गिरी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, वहां पर जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है। और लगभग अब तक 277 विधायकों को खरीदा गया, जिसके तहत अगर एक विधायक की कीमत 20 करोड़ लगाई गई है उस हिसाब से जो अमाउंट बनता है 6300 करोड़, यानी 6300 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कहां से लाया, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और सवाल पूछ रही है। और इसी के तहत आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन, 10 विधायकों का डेलीगेशन सीबीआई मुख्यालय पहुंचा, हेडक्वार्टर पहुंचा, और वहां पर पहले उनको एंट्री नहीं दी गई, उसके बाद वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर धरने पर बैठ गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और दिलीप पांडे ये दोनों सीबीआई हेडक्वार्टर गए, वहां पर उन्होंने जो कंप्लेन देना था वो उन्होंने कंप्लेन दिया, फिर उन्होंने बाहर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी ने भी जो आरोप लगाया, सवाल ये कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी पूछा जा रहा है कि अगर सबूत है तो पेश कीजिए, लेकिन सिर्फ आरोपों से कुछ नहीं चलेगा। अब इसी को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जी मीडिया से क्या बातचीत की, आप सुनिए। दिल्ली के सभी सांसद एलजी के पास पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जांच की मांग की है। क्या कहना है जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक सारे गंभीर आरोप लगाए कि उनको खरीदने की बात हुई, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए अगर ये आरोप लगाते हैं वो भी भारत की राजधानी में, तो हमने ये मांग की है कि वो सारी जाँच होनी चाहिए, वो सारे विधायकों को बुलाकर पुलिस उनसे पूछे कि कौन फोन करता था, कौन उनको कॉल करता था, कौन उनको मैसेज भेजता था। तो अब देखिए इससे जुड़ी एक और जानकारी यानी एक और ब्रेकिंग ये है कि आपके विधायकों ने पुतला फूंका है, दिल्ली विधानसभा परिसर में नारेबाजी की है, पुतला जलाया है। ऑपरेशन लोटस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, ऑपरेशन लोटस की जांच कराने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, यानी सीबीआई से मिलने एक डेलीगेशन भी पहुंचा है और सीबीआई से पूरे देश में ऑपरेशन लोटस को लेकर जांच की मांग आपकी तरफ से की गई। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट